इस वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ कि इस तरह के थंबनेल्स फोन से कैसे बना सकते हैं। लेकिन उससे भी पहले तो सवाल ये आता है कि हमें थंबनेल्स बनाने क्यों हैं? बिकॉज वीडियो अपलोड करते टाइम तो वैसे भी तीन तीन थंबनेल्स के ऑप्शन हमें मिल ही जाते हैं। तो देखो, इसका आंसर बड़ा ही सिंपल है और वो है टू गेट मोर व्यूज, अपने वीडियोस पे ज्यादा व्यूज लाने के लिए। बिकॉज थंबनेल जितना ज्यादा अट्रैक्टिव होगा उतने ज्यादा लोग उस पे क्लिक करेंगे और जितने ज्यादा क्लिक्स आएंगे उतने ज्यादा व्यूज बढ़ेंगे। तो थंबनेल बनाने के दो मेन रीजंस हैं, नंबर वन ऑडियंस का अटेंशन ग्रैब करना, नंबर टू उनसे वीडियो पे क्लिक करवाना। अब सपोज मैं यूट्यूब पे सर्च करता हूँ दैट हाउ टू गेट मोर व्यूज, तो इतने सारे वीडियोस सर्च रिजल्ट्स में आ जाएंगे। अब यहाँ जो थंबनेल सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव होगा उस पे ऑटोमेटिकली मेरा अटेंशन सबसे पहले जाएगा। जैसे ये वाला थंबनेल है तो इसके बैकग्राउंड में अट्रैक्टिव कलर्स यूज किए गए हैं, दैट्स वाई इस पर मेरा अटेंशन सबसे पहले जाएगा। तो मेक श्योर कि आपके थंबनेल का बैकग्राउंड भी अट्रैक्टिव होना चाहिए और उसके लिए आप बैकग्राउंड में अट्रैक्टिव कलर्स जैसे रेड, स्काई ब्लू, पिंक, लाइट ग्रीन वगैरह यूज कर सकते हैं। अब बिकॉज ये कलर्स अट्रैक्टिव हैं तो ऑडियंस का अटेंशन अपने आप इन पे जाएगा, और एक बार ऑडियंस का अटेंशन आपकी थंबनेल पे गया तो उसके बाद अब उनसे उन पे क्लिक करवाना है। और उसके लिए आपका थंबनेल कितना जेन्युइन है और उसमें से क्या स्टोरी निकल के आ रही है इस पर डिपेंड करता है कि ऑडियंस उस पे क्लिक करेगी या नहीं। जैसे मैंने सर्च किया है हाउ टू गेट मोर व्यूज, तो ऑब्वियसली मुझे इजिली एंड क्विकली व्यूज कैसे बढ़ाने हैं इसके टिप्स चाहिए। और इस थंबनेल में सबसे ऊपर हाइलाइटेड टेक्स्ट है इजी व्यूज और उसके नीचे डे वन डे टू लिखा गया है, तो इससे ये कन्वे हो रहा है कि अगर डे वन पे इतने व्यूज हैं तो डे टू पे इतने हो जाएंगे। नाउ अगर आप इसके टाइटल पर फोकस करेंगे तो इसके लास्ट में लिखा हुआ है इन 2 मिनट्स, जिससे मेरे माइंड को ये मैसेज जा रहा है कि इस वीडियो में कुछ एक या दो ही टिप्स होंगे जिनको अप्लाई करके मेरे व्यूज बढ़ जाएंगे और मुझे भी तो यही चाहिए था। तो अब क्योंकि इस वीडियो का थंबनेल मेरे रिक्वायरमेंट में फिट हो रहा है तो इसीलिए मैं इतने सारे वीडियोस में सिर्फ इसी वीडियो पे क्लिक करूंगा। तो एक अच्छा और क्लिकेबल थंबनेल बनाने के लिए आपको भी ये देखना होगा कि आपका थंबनेल ऑडियंस के रिक्वायरमेंट से कितना रिलेट करता है। जितना ज्यादा रिलेटेबल थंबनेल होगा उतने ज्यादा लोग उस पे क्लिक करेंगे। नाउ आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि थंबनेल्स बनाना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो अब जानते हैं कि अट्रैक्टिव और क्लिकी थंबनेल्स बनाने कैसे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम इस थंबनेल को क्रिएट करने वाले हैं एंड उसके लिए सबसे पहले पिक्सेल ऐप ओपन करेंगे, और अगर आपके पास ये ऐप नहीं है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन करेंगे और सबसे पहले इन 3 डॉट्स पे क्लिक करके इमेज साइज सेलेक्ट कर लेंगे। अब वैसे YouTube थंबनेल के लिए आइडियल साइज है 2018x720, बट मैं पर्सनली इसको 1920x1080 रखता हूँ। अब इमेज साइज सेलेक्ट करने के बाद बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके कलर पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ आपको अपने थंबनेल का बैकग्राउंड कलर चूज करना है, तो जैसा मैंने आपको बताया था कि बैकग्राउंड कलर अट्रैक्टिव होना चाहिए, तो इस थंबनेल के लिए मैं ऑरेंज कलर चूज कर रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो कोई और भी कलर या ग्रेडियंट जो अट्रैक्टिव हो वो चूज कर सकते हैं। उसके बाद इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे बिकॉज आगे इसका यूज आने वाला है। अब इसमें इमेज ऐड करना है तो इस ऑप्शन पे क्लिक करके इम्पोर्ट पे क्लिक करेंगे। अब मुझे इमेज चाहिए तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे और क्रॉप करके टिक पे क्लिक कर देंगे। नाउ इसको थोड़ा सा रोटेट करके यहाँ पे पोजीशन कर देंगे इस तरह से, और अब लेयर पे क्लिक करके इसको लॉक कर देंगे। अब इसमें टेक्स्ट ऐड करना है तो आपको ये ध्यान रहे कि टेक्स्ट से ही आप ऑडियंस को शॉर्ट में इन्फॉर्मेशन देते हैं कि आपकी वीडियो में उसे क्या मिलने वाला है। तो मैं अपने वीडियो के बारे में बताने के लिए टेक्स्ट ऐड करूंगा और उसमें लिखूंगा क्रिएट सब्सक्राइब बटन। अब इसका फोन भी चेंज कर लेते हैं। जनरली मैं मोन्स्टेरो ब्लैक फोन यूज करता हूँ बिकॉज एक तो ये बोल्ड है और दूसरा इसका डिजाइन बहुत सिंपल है। बाकी आप चाहें तो कोई भी फोन यूज कर सकते हैं। अब इस टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए इसका बैकग्राउंड ऑन कर देते हैं और उसका कलर रेड सेलेक्ट कर लेते हैं बिकॉज रेड इज वेरी अट्रैक्टिव। अब मुझे यहाँ पे क्रिएट को अलग और सब्सक्राइब बटन को अलग से हाईलाइट करना है, तो उसके लिए इस टेक्स्ट को कॉपी करके इसमें से क्रिएट को रिमूव कर देंगे और इसका बैकग्राउंड भी ब्लैक कर देंगे। उसी तरह से इस वाले टेक्स्ट में से सब्सक्राइब बटन रिमूव कर देंगे एंड उसके बाद दोनों को इस इमेज के जितना ही रोटेट कर लेंगे और इस तरह से यहाँ पे पोजीशन कर देंगे। अब इसके नीचे मुझे एनिमेशन इन किनेमास्टर का टेक्स्ट ऐड करना है तो वो भी मैं जल्दी से ऐड कर लेता हूँ। अब इसका कलर ब्लैक और बैकग्राउंड येलो कर देता हूँ। अब इसमें इमेज और टेक्स्ट तो ऐड हो चुका है, नाउ हमें अब इन सब में शैडो का इफेक्ट लगाना है एंड ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पर अगर आपको प्रोफेशनल थंबनेल चाहिए तो उसके लिए एफर्ट तो लगाना पड़ेगा। तो शैडो इफेक्ट ऐड करने के लिए किनेमास्टर ओपन करेंगे और 16:9 रेशियो का एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद जो पिक हमने एक्सपोर्ट किया था उसको सेलेक्ट कर लेंगे और अब एक ब्लैक कलर का लेयर इसमें ऐड करके उसका साइज इस तरह से इंक्रीज कर देंगे। उसके बाद ओपेसिटी पे क्लिक करके इसको 70% कर देंगे।
नाउ इफेक्ट्स के ऑप्शन पे जाके नीचे स्क्रॉल करेंगे तो बेसिक इफेक्ट्स का ऑप्शन आपको मिलेगा और वहां से गॉशियन ब्लर का इफेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। अब इसका साइज भी इस तरह से पूरा इंक्रीज कर देंगे और अब इस सेटिंग्स के ऑप्शन पे जाके इस स्लाइडर को 10 पे कर देंगे और टिक पे क्लिक कर देंगे। नाउ इस वीडियो को फुल स्क्रीन में प्ले करके इसका स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है। तो शेडो इफेक्ट का एलिमेंट हमें यहाँ से मिल जाएगा। अब इसको अपने थंबनेल में अप्लाई करना है तो वापस से पिक्सेल ऐप ओपन करेंगे और इस स्क्रीनशॉट को इम्पोर्ट कर लेंगे। अब लेयर पे क्लिक करके इसका लेयर सबसे नीचे कर देंगे और इन बाकी के लेयर्स को लॉक कर देंगे ताकि ये डिस्प्लेस ना हो। अब शेडो वाले लेयर को थोड़ा सा रोटेट कर लेंगे और इस इमेज के हिसाब से इसको इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे। तो ये देखिए, इसमें शेडो का इफेक्ट अप्लाई हो गया है। अब इस लेयर को वापस से कॉपी करके इसको नीचे ले जाएंगे और इन टेक्स्ट के पीछे भी इसको जल्दी से ऐड कर देंगे। तो मैं जल्दी से वो कर लेता हूँ। तो शेडो इफेक्ट सारे एलिमेंट्स में अप्लाई हो चुका है और अब ये थंबनेल भी प्रोफेशनल लगने लगा है। अब एक एरो ऐड करना है तो उसको भी यहाँ से इंपोर्ट कर लेंगे और थोड़ा सा रोटेट करके उसको इस तरह से पोजीशन कर देंगे। नाउ कलर के ऑप्शन पे क्लिक करके इसमें व्हाइट कलर सेलेक्ट कर लेंगे और नियोन इफेक्ट ऐड करने के लिए शेडो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसका कलर भी व्हाइट सेलेक्ट करके इस ब्लर रेडियस को थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे और उसके बाद टिक पे क्लिक कर देंगे। तो हमारा थंबनेल फाइनली बनके रेडी हो गया है। अब इसको एक्सपोर्ट करके आप अपने वीडियो पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था प्रोफेशनल थंबनेल बनाने का तरीका। अब अगर आपको अपने चैनल पे सब्सक्राइबर्स बढ़ाने हो तो लेफ्ट वाले वीडियो को देखो और अगर अपने चैनल के लिए सब्सक्राइब एनिमेशन बनाना हो तो राइट वाले वीडियो पे क्लिक करो।